मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी 2012 में छोटी सी कंपनी के साथ मात्र 7,000 रुपए सैलरी के साथ, जहाँ पे जाने की टाइमिंग थी और आने की कोई भी टाइमिंग नहीं थी। मैंने जब भी कंपनी ज्वाइन की थी तब मैं अपने कॉलेज में था, कॉलेज में ओपन से कर रहा था और साथ ही साथ अपने सीएचए का काम भी सीख रहा था। तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने एज अ पेपर फाइलिंग एग्जीक्यूटिव इस कंपनी में ज्वाइन किया था। बहुत छोटी सी कंपनी थी, 8-10 लोगों की टीम थी। और कहते हैं ना कि जब भी आप लोगों को कुछ सीखना होता है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको हमेशा ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए जो बहुत छोटी है। जैसे कि स्टार्टअप, आज की डेट में स्टार्टअप है, बट उस टाइम पे स्टार्टअप का इतना कल्चर नहीं था इंडिया में। तो इस कंपनी में मेरे को सब कुछ काम करना पड़ता था। वैसे तो मैं एक फाइलिंग एग्जीक्यूटिव था, बट कस्टमर सर्विस से लेके फाइलिंग से लेके सारी चीज़ें, टेक्नीशियन को प्रिंटर खराब हो गया, वो सारी चीज़ें मैं ही करता था। तो मैंने ज्वाइन किया एज अ पेपर फाइलिंग एग्जीक्यूटिव। अब पेपर फाइलिंग एग्जीक्यूटिव क्या होता है? पेपर फाइलिंग एग्जीक्यूटिव वो होता है जब भी आपका कोई बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल आता है तो उसकी जो पूरी चेकलिस्ट वगैरह बनाना, कौन सी नोटिफिकेशन लगेगी, कितनी ड्यूटी लगेगी, कितना ड्यूटी वगैरह कैलकुलेट करना, लाइसेंस, कौन सी स्कीम लगेगी, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना, ये सारी चीज़ स्कीम वगैरह लगाना, फिर कंप्यूटर में उसको फीड करना, एक प्रॉपर एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता था, सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको कस्टम्स के साथ फाइल करना, ये बेसिकली मेरा काम हुआ करता था वहाँ पे। जहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा थी, सीखने को बहुत कुछ मिला, वहाँ से फिर मैं सीधा गया एक MNC में। MNC यानी ब्रिटिश टेलीकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ब्रिटिश टेलीकॉम में मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे एशिया पैसिफिक के जितने इंपोर्ट होते थे ब्रिटिश टेलीकॉम के और एक्सपोर्ट होते थे, वो सारा मैं और मेरी मैनेजर मिलकर देखते थे। अब ब्रिटिश टेलीकॉम में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। MNC थी, यहाँ पे 12,000 रुपये सैलरी थी, वहाँ पे मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी थी, अराउंड 35,000 रुपये मेरी सैलरी थी। MNC का कल्चर भी मैंने पहली बार देखा था कि वहाँ पे पार्टीज वगैरह खूब होती थी। पहले 6-7 महीने तो मैंने खूब इन्जॉय किया, पार्टी करी। हमारी टीम में पूरे ऑफिस के सबसे हाई पेड बंदे हमारी टीम में ही थे, यानी लीगल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की टीम थी, और उनमें सबसे कम एजुकेशन वाला बंदा मैं ही। वहाँ पे 6 महीने तो खूब अच्छे कटे, खूब पार्टी वार्टी करी मैंने, और उसके बाद मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे। वहाँ पे जो मेरा काम था वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं था। मैंने जो ये सारे चैलेंजेस थे, नए नए आइटमों के बारे में सीखना, नए नए आइटमों में कौन सी चीज़ें लग रही हैं, कौन सी नोटिफिकेशंस लग रहे हैं, कौन से टैरिफ लग रहे हैं, कितनी ड्यूटी होगी, किस तरीके से GST लग रहा है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों से मैं दूर हो गया था। मेरा कुछ भी काम नहीं था वहाँ पे, बस वहाँ पे 2-4 अंग्रेज लोगों से ओवरसीज़ में बात करना था मेल पे और गोहेड देना था। इंडिया के जो ऑपरेशन थे वो हमारे सीनियर मैनेजर मिलके और एक असिस्टेंट मैनेजर और थे, वो दोनों मिलके देखते थे। तो मेरे को बिल्कुल भी कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था और कहीं ना कहीं बहुत बोरिंग सी हो गई थी लाइफ। तो मैंने वहाँ पे अराउंड 1-6 महीने काम किया, उसके बाद वापस सीएचए लाइन में आ गया। बट जब तक मैं सीएचए लाइन में आया तो उस टाइम पे डिजिटल हो गया था, तो कमाई और ज़्यादा यहाँ पे कम हो गई थी और जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब जब सीएचए की बात करते हैं तो सीएचए में आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में बता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है आप लोगों का सीएचए और एक होता है आपका फ्रेट फॉरवर्डर। पहले के टाइम में तो सीएचए और फ्रेट फॉरवर्डर दोनों अलग अलग तरीके से काम करते थे। कस्टम हाउस एजेंट सिर्फ कस्टम क्लियरेंस का काम देखता था, फ्रेट फॉरवर्डर फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम देखता। बट आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर सीएचए फ्रेट फॉरवर्डर है, हर फ्रेट फॉरवर्डर सीएचए है। मतलब लिटरली हमें ब्लड बाथ होता है प्राइसिंग को लेकर, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप 100 रुपये में दे रहे हैं तो सामने वाला 50 रुपये में दे देता है सामने, और तीसरा वाला बंदा 25 रुपये में देगा, लॉस में भी देके शिपमेंट को उठा लेता है। फ्रेट फॉरवर्डर का काम क्या होता है? फ्रेट फॉरवर्डर का काम बेसिकली होता है कि शिपिंग लाइन के साथ कोऑर्डिनेट करना, एयरलाइन के साथ कोऑर्डिनेट करना, वहाँ से रेट्स लेना, आपको BL वगैरह प्रोवाइड करवाना, ये सारी जो शिपिंग लाइन और ओवरसीज़ के साथ जो शिपिंग लाइन और दूसरी एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना। और CHA का काम बेसिकली क्या होता था? CHA का काम होता था बेसिकली जब आपका गुड्स जो है कस्टम्स पोर्ट पे आ गया तो उसको गवर्नमेंट से उसको प्रॉपर चेकिंग वगैरह करवाना, इंस्पेक्शन करवाना, एग्जाम में आए तो एग्जाम करवाना, प्रॉपर पेपर फाइलिंग करना, कितनी ड्यूटी लगेगी, सारे लीगल वाले जो काम थे, लीगल वाला काम जो है कस्टम हाउस एजेंट करता था। बट आज की डेट में हर एक कस्टम हाउस एजेंट जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर भी कर रहा है, और जो फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट है वो कहीं ना कहीं कस्टम क्लियरिंग भी कर ही रहा है। तो उसके बाद मेरे को एक शिपमेंट में मेरी प्रॉब्लम आई थी, जो कि जिस प्रॉब्लम का हल मेरे को कहीं पर भी नहीं मिला। इनफैक्ट गवर्नमेंट वेबसाइट से लेके हर एक चीज़ों को मैंने छान लिया था। अराउंड 1.5 लाख रुपए का उसमें हमें लॉस हो गया था हमारी कंपनी को। फिर मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना इस प्रॉब्लम को शेयर करूँ मैं दूसरे लोगों के साथ। तो मैंने DigiFT की वेबसाइट में जाके अपना कमेंट डाल भी दिया था और साथ में अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया था कि अगर आप लोगों को किसी को ये प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो उसके बाद कई 2-3 महीनों तक तो मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती थी। इनफैक्ट अभी भी ये प्रॉब्लम आती है, बट इसका 1-time सोल्यूशन बन चुका है और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल भी दिया है। तो यही सोल्यूशन को देते हुए मैंने अपना YouTube का पहला वीडियो बनाया था। मुझे लगता था कि YouTube वीडियो के थ्रू अगर मैं एक बार YouTube वीडियो बना दूंगा तो सोल्यूशन हमेशा इंटरनेट पर रहेगा, कोई भी कभी भी जाकर उसको सर्च करके जाके देख सकता है। तो वो वीडियो अभी भी देखते हैं लोग, अभी भी उस पर कमेंट करते हैं, अभी भी मुझे थैंक यू बोलते हैं उस वीडियो पर। और इसी वजह से मैंने YouTube को शुरू किया था। और सच बताऊँ तो YouTube की देन है कि आज की डेट में मैं जहाँ पे हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, जो भी लोग मुझे जानते हैं YouTube की वजह से ही जानते हैं। हालांकि मैं कस्टम ऑप्शंस की वीडियो ज़्यादा करता हूँ, बट फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो मैंने जितनी वीडियोज़ बना रखी है वो इन डिटेल वीडियोज़ बना रखी है, उन वीडियोज़ पर अभी भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और मैं आगे भी इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा।
तो YouTube ने मुझे अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें दी हैं और आगे भी देता रहेगा। इनफैक्ट मैं अभी जो स्टार्टअप कर रहा हूँ उनके साथ भी मैं कहीं ना कहीं YouTube के थ्रू ही जुड़ा था। बहुत मज़ा भी आ रहा है मेरे को यहाँ पे काम करने में। इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या स्टार्टअप है। मैंने छोटा सा वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस चीज़ का स्टार्टअप है। बट जो स्टार्टअप का इन डिटेल वीडियो है वो मैं किसी और दिन बनाऊंगा। ये मेरी पूरी जर्नी थी YouTube की, किस तरह से मैं इस CHA वाले फील्ड में आया, क्या क्या मैंने किया। शुरुआत मेरी बहुत हम्बल रही है, एक गरीब फैमिली से हूँ, तो लेबर वाले काम किए हैं मैंने। आज की डेट में अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, आगे भी कोशिश करूंगा कि और मेहनत करता रहूँ। और मेरा ओपिनियन दूँ कि CHA के फील्ड में आगे का क्या फ्यूचर है, क्या आप लोगों को CHA में आना चाहिए, CHA के काम में, कस्टमर हाउस एजेंट वाले काम में आना चाहिए। तो देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि जब मैं इस फील्ड में दोबारा वापस आया था, तो मैंने ये सोच रहा था कि मेरे को दोबारा CHA वाला काम नहीं खोलना, CHA वाला काम मैं नहीं करूंगा लाइफ में। क्योंकि जब भी आप बिजनेस की बात करते हैं ना, तो एंट्री बैरियर और एग्जिट बैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हमारे जो इस बिजनेस में ना, एंट्री बैरियर एग्जिट बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। एक सिंगल बंदा भी अपने घर से CHA फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम कर लेता है, CHA का काम कर लेता है, और वहीं बड़ा CHA के पास 100 बंदों के साथ जो वो काम करता है, एक सिंगल बंदा भी वो काम कर लेता है। तो एंट्री बैरियर बिल्कुल नहीं है, एग्जिट बैरियर भी नहीं है। क्योंकि जो कस्टमर आता है उसको अगर 10 रुपये कहीं कम कहीं और मिलता है तो वो वहाँ चला जाता है, कोई भी एग्जिट बैरियर नहीं है। तो कस्टमर जो है वो एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास जाता रहता है। तो ये चीज़ जो है मेरे को लगता है कि बहुत सही नहीं है। तो इसको देखते हुए मैंने उस टाइम पे ही सोच लिया था कि मैं CHA का काम तो कभी नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें जो है कंप्लीट ब्लड बाथ होता है। कंपनीज पैसा लेके भाग जाती हैं, कंपनीज बहुत ज़्यादा घोटाला करती हैं, कंपनीज मतलब कई सारी चीज़ें करती हैं पैसों के लिए। मेरा ओपिनियन तो यही है कि आज की डेट में अगर आप CHA का काम करना चाहते हैं, अगर आपका फैमिली बिजनेस है, तो आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। करियर ऑप्शन की बात करूँ तो अगर आप CHA का काम करते हैं, तो इसके साथ साथ शिपिंग लाइन का काम भी होता है, फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम भी होता है, आपकी MNCs भी होती हैं, बहुत सारी MNCs, जो बड़ी बड़ी MNCs होती हैं वो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करती हैं, तो उनके इंपोर्ट डिपार्टमेंट में भी एज एन एग्जीक्यूटिव हम जैसे लोगों को रखा जाता है, जो कि उनके इंपोर्ट को देखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंपोर्टर या ऑन बिहाफ ऑफ दैट एक्सपोर्टर। वीडियो में अगर आप लोग अब तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।